औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद जहीर अब्बासी और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मायानाज फैमिली फिजिशियन डॉक्टर जाहिद इमरान जो के शुगर का इलाज करते हैं। जी हाँ, कंट्रोल नहीं इलाज करते हैं। ये शुगर का कैसे इलाज कर लेते हैं, हालांकि शुगर तो पूरी दुनिया में लाइलाज है। इनके मैं मरीजों से भी मिला, उन्होंने भी मुझे बताया कि पहले हम मेडिसिन इस्तेमाल करते थे, अब हम जस्ट वॉक करते हैं और हमारी सेहत बहुत अच्छी है और हमारी शुगर भी नॉर्मल रहने लग गई है। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इनसे गपशप करते हैं और पूरी की पूरी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त, आपकी खूबसूरत सी स्माइल है, लगता है ऐसी खूबसूरती के साथ आप शुगर का इलाज करते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये शुगर है क्या? सबसे पहले तो आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं। शुगर एक्चुअली जो है वो खून में शुगर लेवल का बढ़ जाना, इसको हम शुगर या डायबिटीज कहते हैं। नॉर्मली जो हमारे ब्लड में शुगर होती है वो फास्टिंग में 80 या 90 तक होनी चाहिए, और जो रैंडम है मतलब खाना खाने के बाद जो है वो 120 से 150 तक होनी चाहिए। शुगर जो है वो क्यों हो जाती है, और अब मैंने समझा ही दिया है कि शुगर होती क्या है। शुगर खून में ब्लड में शुगर लेवल का नॉर्मल लेवल से बढ़ जाना, उसको हम शुगर या डायबिटीज़ कहते हैं। तो शुगर जो है वो पेशेंट को क्यों हो जाती है? एक्चुअली डायबिटीज़ जो है वो टू टाइप की होती है। टाइप वन जो है उसमें पेशेंट को जो है वो एक तो जो इम्यून सिस्टम है उसका, उसके डिसऑर्डर की वजह से टाइप वन डायबिटीज होती है, और उसमें जो है वो करेक्टर जो है वो जीन्स का भी होता है, जो मतलब ये है कि उसकी फैमिली के जीन्स हैं उसकी वजह से भी टाइप वन जो है वो डायबिटीज़ हो सकती है। और टाइप वन में जो है वो एक तो आपके जो लबलबा है पेनक्रियास, उसमें जो इंसुलिन है उसके सेल जो है बीटा सेल, लबलबे में जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन नहीं बना रहे होते, जिसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, टाइप टू जो है वो होती है कि आपके जो लबलबा है या पेनक्रियास है उसमें शुगर तो बन रही है लेकिन उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब आपकी जो शुगर है वो बढ़ इसलिए रही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कि इंसुलिन जो है वो आपकी ब्लड में शुगर को आपके जो मसल्स हैं उन तक नहीं पहुंचा रहा, मतलब आपकी जो शुगर है वो इंसुलिन सही तरीके से शुगर को आपके जो मसल्स हैं उसमें वो सही नहीं पहुंच रही, तो शुगर जो है वो आपके ब्लड में ही रहती है, तो ब्लड में जो है आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। जबरदस्त, ये तो आपने जबरदस्त किस्म की मालूमात दी, ये तो मेरे ऊपर ऊपर से गुजरी, लेकिन ये जो मेडिकल का स्टूडेंट होगा उसको बिल्कुल एक थॉरली समझ आ जाएगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि शुगर किस उम्र में हो सकती है? देखिए, शुगर जो है वो हर एज में हो सकती है, एक जेस्टेशनल एज में भी शुगर हो सकती है। उसमें ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके जो प्रेग्नेंट वोमेंट है उसमें जो प्लेसेंटा है वो बहुत से हार्मोन क्रिएट करता है, उस हार्मोन का जो असल फंक्शन है वो प्रेगनेंसी को सस्टेन करना होता है, बट उसके जो हार्मोन्स का जो सेक्रीशन है वो जो लेडीज फैटी खवातीन होती हैं, ओबेज लेडीज होती हैं, उनमें जो है वो शुगर लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि जो प्लेसेंटा हार्मोन सेक्रीट करता है उसकी वजह से जो बेबी को भी जो है वो शुगर का जो बीमारी है वो लाहक हो सकती है। इसको हम कहते हैं कि जो बच्चों में शुगर होती है मतलब माँ की तरफ से वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जो शुगर है वो सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती, बल्कि शुगर मैंने आपको कहा है कि टाइप वन और टाइप टू ये इसकी डायबिटीज़ की टाइप्स हैं टू, और फिर आप जो है वो मीठा खाने से शुगर उस वक्त होती है कि जैसे आप जो है वो डेली
एक ही चीज खाए जा रहे हैं फिर आपका दिल उकता जाएगा। तो इसी तरह अगर आप जो है वो मीठी चीजें या कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो चीजें हैं वो आप मुसलसल खाए जा रहे हैं, देन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होगा आपके ब्लड में, फिर क्या होता है कि आपका जो शुगर लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाता है। जबरदस्त। अच्छा ये आप मुझे बताएं कि जो शुगर का जो मरीज होता है उसे किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए? परहेज तो ये है कि उसको शुगर मतलब चीनी, वाइट शुगर और वीट एंड राइस, ये तीनों चीजें नहीं खानी चाहिए। अच्छा मुझे इतना है कि उसको चीनी भी नहीं खानी, वीट यानी कि आटा भी नहीं खाना और राइस भी नहीं खाना, तो उसको खाना क्या है? घास खाना है? और बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, आप अपनी शुगर का इलाज विदाउट मेडिसिन करना चाहते हैं तो विदाउट आप ऐसी चीजें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो चीजें आप नहीं लेंगे तो देन जो है आपका शुगर का इलाज हो सकता है। आप सिर्फ ये देखते हैं कि मैंने फीकी चाय पीनी है या चीनी नहीं खानी, आप ये देखें कि जो वीट है, गंदम मतलब जो गंदम आटा है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो राइस है राइस में भी कार्बोहाइड्रेट्स है। असल जो एंड प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अब जो है वो शुगर से डायरेक्ट ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स की एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है और फिर जो राइस है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है वो भी उसका भी एंड प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज है। अब आपको मैं ये समझाता हूं कि जो ग्लूकोज है वो राइस में और वीट में कितना होता है। अब चीनी जो है वो तो डायरेक्ट ग्लूकोज है और दूसरा ये है कि जो वीट है गंदम जो 100 ग्राम गंदम है उसमें तकरीबन 100 ग्राम गंदम है उसमें 16 चम्मच जो है वो ग्लूकोज होता है। इसी तरह जो राइस है राइस में भी जो 100 ग्राम राइस है उसमें तकरीबन 18 जो चम्मच है 18 टीस्पूनफुल ग्लूकोज होता है और जो प्योर चीनी है उसके अंदर भी जो 100 ग्राम चीनी है उसमें 17 चम्मच जो है वो ग्लूकोज होता है। अब आप इन तीनों चीजों को देखें कि आप चीनी तो जो है वो नहीं खा रहे कि मुझे शुगर है मैं चीनी नहीं खा रहा, लेकिन आप वीट ले रहे हैं मतलब आटे की बनी हुई प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिर बिरयानी वगैरह चावल खा रहे हैं वो भी तो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन। अब ये है कि बात ये है कि आप सिर्फ चीनी का इस्तेमाल मतलब आप समझते हैं कि चीनी से मुझे शुगर हो रही है चीनी से जो मुझे शुगर लेवल बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ चीनी नहीं, आपको वो चीजें भी छोड़नी होंगी जिससे मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज्यादा है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी जो वीट में और राइस में बहुत ज्यादा होती है, मैंने आपको बताया कि चीनी, वीट और राइस 100-100 ग्राम ले लें उसमें तकरीबन 16-17 चम्मच जो है वो ग्लूकोज होता है तीनों में। अब तीनों चीजें जो है वो हाँ आपकी ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। अब क्या नहीं खाना चाहिए ये तो मैंने बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ कि क्या खाना चाहिए। गुड, यही जानना चाहिए क्या खाना चाहिए। उसमें आप जो है वो एक जो बीमारी है उसको खत्म करने के लिए जरूर आपको कुछ ना कुछ चीजें छोड़नी होंगी और वो चीजें लेनी होंगी जो मैं आज आपको बता रहा हूं। उसमें जो है आप सब्जी वेजिटेबल्स की जो है वो सैलेड ले लें, मतलब सलाद वेजिटेबल का जो सलाद है, ये नहीं कि सिर्फ आप जो है खीरे ही खाएं, खीरा नहीं बल्कि आप प्याज है, टमाटर है, लौकी है, पालक है, इस तरह की बहुत सारी सब्जियां हैं, आप उनको बारीक काट लें फिर उसका सैलेड बना लें, सलाद बना लें, उसको आप लें। और फिर ये है कि अगर आप साथ सलाद के साथ तो आप कौन सी सब्जी खाना चाह रहे हैं, कोई सी भी सब्जी आप हल्की सी उबाल लें, उसमें टमाटर डाल लें, उसमें ऑनियन प्याज डाल लें, उसमें जो है वो मिर्च हरी मिर्च डाल लें, तो बेहतरीन जो है वो उबाल के एक हल्का सा सैलेड जो है वो नमक डाल लें, उसमें जो है वो बेहतरीन आपके लिए वो खुराक हो सकती है, तो आप उसको चम्मच से नोश फरमाएं। दूसरा ये है कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, वो फ्रूट्स ना लें। अब ग्रेप फ्रूट है उसमें जो है वो बहुत बेहतरीन जो है वो शुगर के लिए बड़ा बेहतरीन है, वो
इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करता है। आप ग्रेपफ्रूट लें। और दूसरा ये है कि जो काले चने हैं वो काले चने आप उबाल कर रखें, वो आप लेते रहें वक्तन फक्तन। मतलब ये है कि जो शुगरी प्रोडक्ट है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की जो चीजें हैं वो आपको छोड़ना होंगी। अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अब मैं जो इलाज करता हूँ अपने पेशेंट का, मैं सबसे पहले उनको ये बताता हूँ कि तीन चीजें जो है वो आपको करनी होंगी। पहले खाना, दूसरा सोना, तीसरा फिजिकल एक्टिविटी। ये तीन चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में उनको शामिल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला जो टाइप 2 डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा तो इंसुलिन जो है वो आपकी जो शुगर लेवल को ब्लड में नहीं रुकने देगी, तो फिर जो है आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहने लगेगा। अब खाने में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीजें खानी चाहिए कौन सी नहीं खानी चाहिए। अब सोने में जो है, जब आप अपनी नींद पूरी करते हैं तो आपकी जो फैट्स की अब्सॉर्प्शन है वो रिकवर होती है। दूसरा यह है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी में जो आपकी फैट्स है वो डाइल्यूट होती है, वो डाइल्यूशन के प्रोसेस में से गुजरती है, देन फिर जो है वो आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहने लगता है। वो लोग जो फैटी हैं, फैट्स मतलब ओबेज हैं, मोटापा रखते हैं, उनको आप जो है ना वो आपको सबसे पहले उन फैटी लोगों को अपना मोटापा खत्म करना होगा, अपनी जो एक्स्ट्रा फैट्स है उसको खत्म करना होगा। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आप जो है अपने जिंदगी में जरूर शामिल करें, 1 and 1.5 hours जो है वो जरूर आप फिजिकल एक्टिविटी किया करें। दूसरा ये है कि मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट, वो बहुत सी मेडिसिन लेते हैं। वो मेडिसिन का काम क्या है? मेडिसिन का काम ये है कि आप जो चीज खा रहे हैं उनमें जो शुगर है उस शुगर को वो एक्सक्रीट करती है बॉडी से, तो फिर आपकी शुगर नॉर्मल रहने लगती है। लेकिन कुछ हार्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, जैसे ही उस मेडिसिन का असर खत्म होता है फिर आपका शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो क्यों ना आप जड़ ही खत्म करें कि वो चीजें आप ना लें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, शॉर्ट सा मुझे जवाब दें कि ये जो केटो डाइट है उससे भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में केटो डाइट के थ्रू जो है शुगर को कंट्रोल किया जा रहा है, वो बेहतर है आपके ख्याल से? बिल्कुल, केटो डाइट एक्चुअली वो डाइट है जिसमें कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो लो क्वांटिटी में है, बिल्कुल है ही नहीं। अगर है तो वो आपको नुकसान नहीं देते, उसमें फाइबर ज्यादा है, उसमें वाइटामिन ज्यादा है। केटो डाइट आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो आप जो है वो शुगर को विदाउट मेडिसिन खत्म कर सकते हैं। जबरदस्त। केटो डाइट के हवाले से डॉक्टर साहब का अपना चैनल है डॉक्टर जाहिद इमरान के नाम से, उससे आप केटो डाइट के हवाले से एक बिल्कुल लेटेस्ट और नई वीडियो है वो आप देखिए, उसमें मुकम्मल बताया गया है कि केटो डाइट है क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि सारी दुनिया में मेडिसिन यूज तो हो रही है, आप ऐसी कौन सी मेडिसिन देते हैं, ऐसा कौन सा गुल पीस के देते हैं कि जो मरीज का लबलबा भी ठीक हो जाता है, उसकी कमजोरी भी खत्म हो जाती है, और उसके अलावा उसका जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसकी बॉडी में वो भी बैलेंस रहने लग जाता है? देखिए, मैं वो मेडिसिन देता हूँ कि जो टाइप 2 में आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, मेरी मेडिसिन उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करके इंसुलिन जो है वो सही तरीके से आपके ब्लड में सही काम करने लगता है, देन जो है वो आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहने लगता है। लेकिन शर्त ये है कि आपको सबसे पहले अपना जो लाइफस्टाइल है मतलब जो आपकी डाइट है वो मेरे कहने पे अगर आप मेरे मशवरे पे चलेंगे तो फिर जो है मेरी मेडिसिन आपको इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है इंशाल्लाह वेल क्योर हो जाएंगे और आपके नाम के साथ या आपके जो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके साथ जो एक डायबिटीज पेशेंट का नाम लगा हुआ है वो इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
जबरदस्त, बहुत अच्छा नाजरी ग्रामी, ये थे डॉक्टर जाहिद इमरान। आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाके आप इनका चैनल भी सर्च कर सकते हैं, यही खूबसूरत सा चेहरा आपको वहाँ पर नजर आएगा और ये सेहत के हवाले से खूबसूरत मशवरे देते हैं और बड़े फ़ायदा मंद होते हैं, पेटेंट मशवरे होते हैं। नाजरी ग्रामी, आपको शुगर के हवाले से किसी भी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, डॉक्टर जाहिद इमरान उस कमेंट का जवाब खुद देंगे। चाहे आपका सवाल कितना ही मुश्किल क्यों नहीं है, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, नाज़रीन ग्रामी टॉप लीडिंग उर्दू से अपने होस्ट जवाद ज़ेर बासी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।